इस्पात नगरी के सेक्टर 8 स्टील क्लब सेक्टर 8 ग्राउंड में लगा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जी हां, यहां पर लगे स्टालों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सभी लोग अपने अपनी पसंद की चीजें एक ही छत के नीचे और वो भी बेहद किफायती दरों में खरीदने पहुँच रहे हैं। बता दें, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी, इसका शुभारंभ 1 मार्च 2024 से किया गया है और साथ ही इसका समापन 7 अप्रैल को किया जाएगा। स्टील क्लब सेक्टर 8 भिलाई में लगा ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, यहाँ उपलब्ध सभी चीजें एक ही छत के नीचे बेहद किफायती दरों पर है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र है भदोही के कारपेट, लखनवी चिकन सूट ड्रेस, खादी शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ियाँ, खुर्जा क्रॉकरी, साथ ही सहारनपुर फर्नीचर, साथ ही लेडीज चप्पलों की अनेक वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। देश के विभिन्न राज्यों की अनेकों वैरायटियां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। राजस्थान की राजस्थानी बांधनी सूट साड़ी, अचार, चूरन, सुपारी, मोजरी, वहीं बंगाल की कलकत्ता सिल्क साड़ी, सूट बैग, कश्मीर की पश्मीना शॉल, सूट साड़ी, तो वहीं पंजाब से पंजाबी फुलकारी और डाई फ्लावर है, तो बिहार से भागलपुरी सिल्क वस्तुएं उपलब्ध है और साथ ही साथ हरियाणा से बेडशीट, चादर, टेरिकोटा और वहीं मध्य प्रदेश छतरपुर की पंचधातु पीतल की मूर्तियां खासकर यहां पर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन पीतल की मूर्तियों में राम, सीता, कृष्ण और भी कई तरह की मूर्तियां यहां पर पीतल की मौजूद है, जो कि सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ कोसा साड़ी, सूट, बेल मेटल आदि उपलब्ध हैं, तो वहीं कर्नाटक से साड़ी और मैसूर अन्य मसाला है। पापड़ों और अचार की भी अनेक वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। नमकीन, खट्टे, मीठे मिक्सचर भी यहां पर लोगों को काफी लुभा रहे हैं। कॉस्मेटिक सामान भी यहां पर महिलाओं की खास मांग पर रखी गई है। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो के संचालक ने इस तरह की जानकारी मेले को लेकर दी है। ये मैडम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो है, जो कि भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतवर्ष से प्राय सभी प्रदेशों से लोग आए हैं अपने अपने सामानों का प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए, जिसमें मुख्य आकर्षण में हैं उत्तर प्रदेश से भदोही के कालीन, लखनवी चिकन सूट ड्रेस मटेरियल, खादी शर्ट, बनारसी साड़ियाँ, कानपुर लेडीज़ फैंसी चप्पलें हैं, दिल्ली से वाइट मेटल ज्वेलरी, राजस्थान से बांधनी सूट, टेराकोटा, बाकी अन्य सामान हैं, बंगाल से कलकत्ता काथा सिल्क साड़ियां हैं और कश्मीर से पश्मीना के आइटम, साड़ी, सूट, ड्रेस, वो सब चीज़ें हैं और बिहार से भागलपुरी सिल्क वस्तुएं हैं और जैसे कि हरियाणा से बेडशीट, चादर, बाकी अन्य सामान हैं, मध्य प्रदेश से छतरपुर की विशेष तौर से पीतल की मूर्तियां जो विश्व प्रसिद्ध हैं, जो पीतल की मूर्तियां वो आई हुई हैं, छत्तीसगढ़ से कोसा सूट बेल मेटल वगैरह है, छत्तीसगढ़ के सभी आइटम, कर्नाटक से साड़ी सूट अप्पा मसाला एवं लगभग सभी पूरे भारतवर्ष से लोग आए हुए हैं। अभी तो कॉटन के कपड़े लुभा रहे हैं, जैसे लखनवी चिकन सूट वगैरह हो गए, लखनवी कपड़े हो गए, कॉटन के हो गए, ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोगों को लुभा रही हैं गर्मी के हिसाब से। ये प्रदर्शनी 1 मार्च से लगाई गई है, जो कि 7 अप्रैल तक चलेगी। ग्राहकों का प्रतिसाद बहुत अच्छा है और लोग जमकर खरीदी कर रहे हैं। शहरवासियों को सबसे पहले तो होली की ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा और लोगों से अनुरोध करूँगा, जो लोग अभी तक प्रदर्शनी में नहीं आए हैं तो कम से कम एक बार अवश्य पधारें। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए हैं, बड़े के लिए हैं, बुज़ुर्गों के लिए हैं। हमारे यहाँ सभी उम्र से ले कर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो कि एक बार निवेदन है अवश्य पधारें और छूट का लाभ उठाएँ और देखेंगे, अपने शिल्पियों से विचार करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ईद वगैरह भी है, तो यदि अगर सभी शिल्पी तैयार हो गए तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं सुफियान अली, संचालक यहाँ का, मालवी नगर दुर्ग से हूँ, जो कि इस टाइप के आयोजन प्रायः पूरे छत्तीसगढ़ में काफ़ी वर्षों से करते आए हैं और मेरे इस प्रदर्शनी का मतलब मुख्य उद्देश्य यह है कि जो गरीब निचले तबके के लोग हैं उनको एक रोज़गार देना, रोज़गार में मदद करना, बढ़ावा देना। इस तरह से अपन सभी मिलजुल कर एक कार्य काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं।
तो देर किस बात की है, आप भी जल्दी पहुंचे और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और अपनी मनपसंद खरीदारी बेहद ही किफ़ायती दरों पर खरीदें।